B for F. F for fish. Water. जल्दी कर दीजिएगा, दवा पूरी कर गुर्दे हैं। मेरे बच्चे तीन हैं, मेरी पहली लड़की सिक्स क्लास में पढ़ती है, प्रियंका नाम है, दूसरी धापू, तीसरी क्लास में पढ़ती है, छोटा 3.5 साल का लड़का है, केशव नाम है उसका। मेरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा थे, सिर्फ मैं एक ही थी मेरे मम्मी पापा के। पिताजी सफ़ेदी का काम करते थे, मम्मी कोठियों में बर्तन मांजने जाती थी। उस टाइम वो पढ़े लिखे नहीं था, उनको महसूस होता था तो सोचते थे हम अपनी बेटी को बोले कि पढ़ो, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते थे वो। आप कहाँ तक पढ़ पाएंगे? 10 वो भी कंपार्टमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरी वजह ये थी कि मैं कंपार्टमेंट या फेल होंगी तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी, यही मेन प्रॉब्लम थी मेरी। कुछ कोई वजह, कोई टॉर्चर माँ बाप ने, कुछ भी नहीं। वो बात सोचते हुए कि मैंने उस वजह क्यों बोली ऐसी, वो बात मेरे को समझ ही नहीं आती। वैसे हमारी सब कास्ट राजस्थान की है, राजस्थान और गुजरात, गुजरात के बाद दिल्ली। घर में फैमिली में देखते हैं कि कुछ अच्छे ही पढ़े, ज़्यादा पढ़े लिखे या नॉलेज ज़्यादा होती तो कुछ अच्छा काम कर सकते। अब ये मजदूरी वाला काम है, एक दिन मिलता है, एक दिन घर पे रहते हैं, रंग पेंट का रोज़ नहीं मिलता। ये घर मकान का है, वो भी कभी जैसे बारिश का मौसम हो, कभी ठंड हो, तो दिहाड़ी वाले काम होते हैं, रोज़ महीने वाला नहीं होता, तो ऐसी हमारे में बहुत दिक्कत आती है। मेरे को 1.5 साल हो गए SMC ज्वाइन करने में। पहले थोड़ा घबराहट सी होती, कैसे बात करना है, कैसे नहीं करनी, क्या बोलना है। अब ये हो गया कि झिझक कम हो गई है। हीरी जी को बुलाओ, कुछ बात हीरी जी आए हो आप, फ़ोन कर, कुछ बात हो फंक्शन पर हीरी जी को बुला लो, मेंबर है पहले ही नाम ऊपर। जिम्मेवारी अच्छी लगती है कि जिम्मेवारी के समझ आए कि भाई जिम्मेवार का काम है तो आप निभा पाओगे, तो हम बोलते हैं हाँ जी क्यों नहीं निभा पाएंगे। हमारी तरफ से बिल्कुल मना नहीं है, लड़की हो चाहे लड़का, हम ये सोचते हैं कि जितना वो पढ़ सके उतना उनको पढ़ाएंगे, और कम पढ़े तो उस पर ज़्यादा जोर करेंगे, नहीं आगे पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है। किसके पास टाइम नहीं होता, आपके पास टाइम है, आप पढ़ो। माँ बाप कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं पढ़ रहा तो हम वो थोड़े ढीले भी हो जाते हैं, पर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चे इस ट्यूशन लगाओ, अच्छी अच्छी क्लास दो, अच्छे फ्रेंड के साथ उनको बिठाओ कि ये पढ़ता है आप भी पढ़ो, क्योंकि जैसे हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं दुनिया पढ़ाई पे ही बहुत ज़्यादा है। आगे के ज़माने इससे आगे भी जो आएगी पढ़ाई पे ही बहुत ज़्यादा दुनिया टिकी है और टिकी रहेगी।